आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि टीचर कैसे बने। हमने इस पे एक वीडियो बनाया था आफ्टर 12th, और ये वीडियो कल बनाया था। तो उसमें जो हमने बेसिक जानकारी दी थी वो आपके लिए पार्ट 1 था, पर आज हम कुछ और जानकारी आपको देने वाले हैं जो कि पार्ट 2 है आपका। और इसको देखने के बाद आपकी जो सारे दिमाग में से क्वेश्चन होंगे, आई थिंक वो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कल मैंने सभी की कमेंट को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस किया है कि कुछ बातें ऐसी थी जो रह गई हैं उस वीडियो में, वो आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। आपको क्या करना है बच्चे, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है और बहुत अच्छे से समझना है। अगर इसको देखने के बाद भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप प्लीज कमेंट करें, आपको 24 घंटे 48 घंटे के अंदर आपको वहां पे रिप्लाई कर दिया जाएगा। देखिए, कल मैंने आपको कई सारे कोर्स बताए थे यहाँ पे, मतलब कोर्स तो एक ही था पर उसको कई सारे नामों से जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें बताई थी, दो चीजें अलग है, एक तो BLED और एक डाइट। BLED पे एक अलग वीडियो बनेगा क्योंकि ये टॉपिक ही अलग है, बट डाइट मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। और ये आपको कल ही बता दिया था कि ये सब एक ही कोर्स है, जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो, JBT, DED, ETT, ET, BTC, DLED, लगभग ये सारे एक ही कोर्स हैं, बट इनके नाम जो हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं। लेकिन अब क्या किया गया, हर जगह इसको एक ही नाम से जाना जाता है, जिसको हम DLED के नाम से जानते हैं, ठीक है। ज्यादातर स्टेट में अब इसका नाम DLED ही कर दिया गया है। कई सारे स्टूडेंट कहते हैं हमें डाइट के बारे में बताओ, तो मैं आपको बता दूं कि डाइट कोई भी कोर्स नहीं होता है, ठीक है। डाइट कोई कोर्स नहीं है, ये जो आपको मैं, जैसे आप यहाँ पे इतने सारे नाम देख रहे हैं, JBT इसे एक कोर्स कह सकते हैं, DED एक कोर्स है, ETT कोर्स है, ET कोर्स है, BTC कोर्स है, DLED कोर्स है, BLED कोर्स है, बट डाइट कोर्स नहीं है। तो डाइट आखिर है क्या, पहले आपको डाइट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ये पूरे देश भर में डाइट होती है, यानी कि इसका पहले फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है, फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि ये ऐसे संस्थान होते हैं, ये ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पर टीचर ट्रेनिंग वाला कोर्स कराया जाता है, यानी कि सिखाया जाता है, टीचिंग से रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं आपको पढ़ाया जाता है। जैसे आप BA की पढ़ाई करने के लिए आप जाते हो जिस संस्थान में, उसको आप कॉलेज कहते हो, ठीक है। स्कूल की पढ़ाई के लिए पहली से लेकर 12वीं तक आप जिस संस्थान में पढ़े हो उसको हम स्कूल कहते थे, समझ गए ना। इसी तरीके से जहां पे ये टीचर वाला आप कोर्स करने जाओगे, जिस संस्थान में आप पढ़ाई करोगे इसके लिए एडमिशन के बाद, उसको डाइट कहा जाता है। तो डाइट कोई कोर्स नहीं है, आप ध्यान रखना, जो आपको डाइट बोलते हैं ना वो कोर्स नहीं होता, बल्कि उस डाइट उस संस्थान में जाके कोर्स को किया जाता है। कोर्स होता है DLED, ET, जो भी होता है, लेकिन जहां पे किया जाता है उसको डाइट कहा जाता है। तो ये केवल आपको वही बताएंगे जो डाइट कर रहे होंगे, कर चुके होंगे, या जो जिनको पता होगा। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो इस पे कंफ्यूज रहते हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में आ रहा था, कई सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कल की कमेंट में कि क्या कॉलेज नहीं, मतलब BA या BCOM वगैरह जो भी आप ग्रेजुएशन करते हो, UG कोर्स जो होते हैं आपके, क्या ये नहीं करना टीचर बनने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने वहां थंबनेल में क्या बताया था कि आफ्टर 12th टीचर कैसे बने, यानी कि 12वीं के बाद आप कैसे टीचर बनोगे। तो 12वीं के बाद आप इस कोर्स को करोगे तो आप टीचर बनोगे, ठीक है। और इस कोर्स को करने के बाद आप टीचर कौन सी क्लास के बनोगे, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी था। तो आप पढ़ाओगे स्कूल में क्लास 1 से 5, पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ाओगे, और वैसे ये 8 तक भी होता है, आप पहली से 8वीं तक भी पढ़ा सकते हो, जहां पे अगर आपके स्कूल में 8वीं क्लास तक के, क्योंकि जैसे मान लो आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में ज्यादातर जो MCD जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वो MCD के होते हैं मोस्टली, तो MCD जो स्कूल होते हैं वो 1 से 5 तक ही होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पहले से 5वीं तक पढ़ाते हैं, लेकिन GNCT के कई ऐसे स्कूल होते हैं जो पहली से 12वीं तक के होते हैं, तो वहां पे अगर आप टीचर हो तो आप पहली से 8वीं तक में आप भेजे जा सकते हो पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने TGT PGT या फिर आप, मैंने ये बताया ही नहीं किसी को कि आप क्लास बड़ी क्लासों को पढ़ाओगे या फिर किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ाओगे, ये तो मैंने कहीं जिक्र किया ही नहीं था, फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्यों थी मुझे समझ नहीं आया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आफ्टर 12th अगर आप टीचर बनोगे तो आप इन्हीं क्लासों को पढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं कि आफ्टर 12th आप जाके 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा दो, 12वीं के बाद कोई कोर्स करके 12वीं को ही पढ़ा दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप बड़ी क्लासों को पढ़ाना चाहते हो, जैसे आप 9th 10th को या 11th 12th को पढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी,
और ग्रेजुएशन के साथ आपको बीएड, ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करनी पड़ेगी। और अगर आप और ऊपर जाते हो, पीजीटी बनते हो, 11वीं 12वीं को पढ़ाते हो, तो आपको अपने उस सब्जेक्ट में मास्टर भी करना पड़ेगा, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपकी उस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। तो वो मैं आपको अलग वीडियो में बना के बताऊंगा, ठीक है। इसमें उस चीज को मिलाएंगे नहीं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे बात चल रही है केवल और केवल प्राइमरी टीचर, आप प्राइमरी टीचर कहलाओगे, जिसको शॉर्ट में पीआरटी भी कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये वाली कंफ्यूजन आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको दो तीन चीजें बता दी कि डाइट क्या होता है। डाइट कोई कोर्स नहीं है, एक संस्थान है जहाँ पे ये कोर्स कराया जाता है, ठीक है। और डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ गया था, कई सारे बच्चों का क्वेश्चन ये था, क्या हम इस कोर्स को ओपन से कर सकते हैं? तो देखिए, ये कोर्स ओपन से नहीं होता है, ठीक है। आपका कोर्स ये होता है रेगुलर, एक तो आप ये वाली चीज अपने दिमाग में डाल लो। दूसरी एक और बात आपको अपने दिमाग में डाल लेनी है कि कई सारे स्टूडेंट, या आपके बड़े घर में भाई बहन या किसी ने कर रखा होगा, वो क्या करते हैं, मध्य प्रदेश से, जम्मू से या अदर स्टेट से कर लेते हैं, और वहां पे क्या होता है, उनको खाली पेपर देने ही जाना पड़ता है और वो इस कोर्स को कर लेते हैं। तो अब आप कहोगे कि आपने तो कहा था कि ये केवल रेगुलर ही होता है, बट वो तो ऐसे करते हैं, खाली पेपर पेपर दे के आते हैं साल में एक बार, ऐसा कैसे हो जाता है? तो मैं आपको बता दूं, उनका जो मोड होता है ना, वो भी रेगुलर ही होता है, लेकिन वो सब पैसों का खेल होता है वहां पे, ठीक है। वो मतलब दिखाते हैं उनको रेगुलर ही है, बट उनसे केवल पेपर पेपर करवा लेते हैं और बाकी उनकी अटेंडेंस लगाई जाती है पूरे, मतलब इस तरीके से फर्जीवाड़ा एक तरह से आप समझ सकते हो कि गलत तरीके से वो कराया जाता है, बट वो रेगुलर मोड पे ही होता है। यानी आप समझ लो कि आपका कोर्स है रेगुलर मोड पे, आपको रेगुलर स्टूडेंट, पर आप केवल पेपर देने जा रहे हो। तो ये कैसे होता है, ये केवल गलत तरीके से होता है, बाकी ये जो कराया जाता है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बातों को, पर ये देश में ऐसे खुला चल रहा है और काफी लंबे समय से ये चीजें चलती आ रही है, ठीक है। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसका अब नाम रख दिया गया है, पहले इसको ईटीई अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे जब मैंने करा था उसको एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कहा जाता था, या फिर अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो लेकिन अब ज्यादातर हर जगह इसको डीएलएड ही कहा जाता है। कौन सी क्लास को पढ़ाते हो आप, ये समझ गए हो। हाँ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन गया था कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो भाई यहाँ पे आपको देखो, पहली से पांचवी तक में आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले से आठवीं तक आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं। यहाँ पे आप स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट के टीचर नहीं बनते हो। आपने अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पीरियड वगैरह नहीं लगते थे, एक ही टीचर होता था, वही सुबह से लेके शाम तक एक पूरी क्लास का क्लास टीचर होता था, वही पढ़ाता था, आपको याद होगा ऐसा होता था। लेकिन जब आप क्लास 6 में जाते थे बड़े स्कूलों में, तब जाके ये सिस्टम शुरू हो जाता था, ठीक है। लेकिन पहली से पांचवी तक में ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एक आ रहा था कि सैलरी कितनी होती है। देखिए, सैलरी जो होती है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। और ये फर्क जो हो जाता है सैलरी में, ये एचआरए जो कुछ भत्ते होते हैं, एचआरए वगैरह जो था, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे आप मान लो दिल्ली में आप करते हो जॉब, तो आई थिंक आपको 50,000 के करीब मिलेगी सैलरी। बट अगर आप यूपी में होते हो तो फ्रेश सैलरी बता रहा हूँ मैं, फ्रेश अगर आप नई नौकरी में लग रहे हो तो आपको कट पिट के 45,000 के करीब मिलेंगे, और दिल्ली में हो तो आपके लगभग 50,000 के करीब मिलेंगे। और आप अदर किसी स्टेट में हो तो आपको वहां पे अलग सैलरी मिलेगी, कहीं पे कम भी हो जाएगी, कहीं पे ज्यादा भी हो जाएगी, ठीक है। और ये सब डिपेंड करता है वहां पे जो एचआरए वगैरह कितना मिल रहा है, यानी हाउस रेंटल अलाउंस वगैरह जो होता है वो क्या चल रहा है वहां पे, किस हिसाब से देते हैं, वो अलग अलग स्टेट में डिपेंड करेगा। तो ये आपकी सैलरी होती है, ठीक है। तो ये एक अच्छी सैलरी मानी जा सकती है, क्योंकि आफ्टर 12th ये एक ऐसी जॉब है जो आप जो बी ग्रेड की जॉब है एक तरह से। इसके अलावा अगर आप किसी और आफ्टर 12th आप किसी कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं, तो आपको देखोगे आपको मतलब इससे नीचे वाले लेवल की ही पोस्टों के लिए आप एग्जाम दे पाओगे। अगर आप अच्छी नौकरी चाहते हो तो आपको कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। दो तीन क्वेश्चन जो कल की वीडियो में देखे थे मैंने, ये शायद यहाँ पे हो चुके हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये था कि किसी बच्चे ने पूछा था कि आपने सर डाइट के बारे में बताया था, तो ये डाइट जो है ये कहाँ कहाँ पर कितनी है। तो मैंने आपको कल बताया था कि डाइट जो है दिल्ली में गवर्नमेंट डाइट, मैंने आपको बताई थी कि 9 डाइट जो है वो गवर्नमेंट डाइट है। इसके अलावा जो लगभग लगभग शायद 27 के करीब जो है प्राइवेट डाइट भी है, कम ज्यादा भी हो सकती है, आप प्रोस्पेक्टस पढ़ लेना, ठीक है। और ये 9 डाइट कहाँ कहाँ पर है, मैं आपको केवल गवर्नमेंट डाइट के बारे में बताऊंगा, प्राइवेट के बारे में नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लो 2019 का, वहां पे आराम से देख लो। तो गवर्नमेंट देखिए कहाँ पे, केशवपुरम में, फिर पीतमपुरा में है, और राजेंद्र नगर में है, दरियागंज में है, आरकेपुरम में है, और ये दिलसाद गार्डन में है, करकरडोमा में है, मोतीबाग में है, घुमनहेड़ा में है। तो ये आपकी डाइटें हैं।
अब ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप जो हो आपके घर के पास कौन सी पड़ती है। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट है, केवल 9 डाइट है गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट जो है वो बहुत सारी है। हो सकता है ये इनमें से कोई भी डाइट आपके घर से ज्यादा नजदीक ना हो, बट प्राइवेट डाइट इतनी सारी है वो जरूर आपके घर के आसपास होगी, क्योंकि पूरी दिल्ली में ऐसा शायद ही कोई इलाका होगा जहां जिसके आसपास कोई डाइट ना हो प्राइवेट वाली। तो वो भी आपको कल बताते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट क्या होता है, कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे फॉर्म भरे जाते हैं, कल की वीडियो में इसको जिक्र कर चुके हैं हम। तो ये आपके डाइट है, ठीक है। लगभग लगभग गवर्नमेंट डाइट में 1040 के करीब सीटें हैं, और शायद इतनी ही सीटें, इसके आसपास ही सीटें प्राइवेट डाइटों में भी हैं। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से क्वेश्चन हो गया क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको प्राइमरी टीचर के बारे में बता दिया, यानी पीआरटी के बारे में बता दिया, मेन मेन जितनी भी बातें होती थी लगभग सभी बता चुका हूँ। एक दो क्वेश्चन और मुझे याद आ गया कॉमेंट में, किसी बच्चे ने पूछा था कि मैं बीए कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, क्या मैं बीए के बाद इस कोर्स को कर सकता हूँ? तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। आप 12th के बाद भी कर सकते हो, अगर आप चाहो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, आप अगर आप एमए कर चुके हो तो आप उसके बाद भी कर सकते हो, ठीक है, आप कर सकते हो। और एक क्वेश्चन और याद आ गया मुझे, किसी बच्चे ने पूछा था कि क्या मैं ये मतलब डाइट रेगुलर कर लूं और इसके साथ मैं ओपन से ग्रेजुएशन कर सकता हूं? तो यहाँ पे ये चीजें अलाउ नहीं होती हैं साथ में, ठीक है। और बाकी आप नए रूल पढ़ लेना, पता कर लेना, जहां तक मुझे पता है आज के समय में भी अलाउ नहीं है। और क्योंकि जब मैंने मैंने डाइट की थी, मैंने 2008-10 में करी थी, तो उस समय बिल्कुल अलाउ नहीं था और आज के समय में भी अलाउ नहीं था, ठीक है। और ये जो डाइटें हैं इतनी सारी, इसमें ये जो 9वें नंबर की डाइट है गोमनेडा, यहाँ से मैंने डाइट की थी। तो आप इतनी सारी डाइटों में से कहीं से भी कर सकते हो, जो भी आपको मतलब आपके आसपास हो, आप फॉर्म भरें, अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप उसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके ये जो क्वेश्चन होंगे दिमाग में, जितने भी क्वेश्चन शायद यहाँ से सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी आपको कोई प्रश्न रह जाता है, मान लो आपको लगता है कि यार ये चीज नहीं बताई है, तो आप मुझे कॉमेंट में बताएं। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे कल, जैसे कि स्पेशल एजुकेटर का किसी ने पूछा था, टीजीटी के बारे में किसी ने पूछा था, पीजीटी के बारे में किसी ने पूछा था, कई सारे क्वेश्चन कल पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चन जो है अलग अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो इससे रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने केवल और केवल प्राइमरी टीचर की बात की है, ठीक है। इसके अलावा अभी एक नर्सरी टीचर की अलग से वीडियो बनाएंगे, स्पेशल एजुकेटर की अलग से वीडियो बनाएंगे, बीएलएड की अलग से वीडियो बनाएंगे, टीजीटी की अलग से वीडियो बनाएंगे, पीजीटी की अलग से वीडियो बनाएंगे, किसी ने फिजिकल एजुकेशन का पूछा था उससे उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। यानी एक पूरी सीरीज आएगी जिसमें आपको सारे टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बना के बताएंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अगर एक ही वीडियो में सारी चीजें बता दी तो हो सकता है आपको समझ में ही ना आए कि ये क्या बता दिया भाई इतना सारा। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।